नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे, मेरे पास एक लीवो बाइक है, लीवो बाइक और ड्रीम योगा टीस्टर। लगभग सबका एक यानी एक जैसा ही इंजन होता है। और उसमें क्या है कि हमारे पास इंजन खुला, इंजन खोलते समय क्या हुआ मेरे दोस्त, ये जो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहाँ पर ऐसे रही, और इसके साथ साथ ये जो इसका गियर था, ये वाला मेरे दोस्त, इसको यानी निकल नहीं रहा था, क्योंकि ये खोला नहीं गया, निकल नहीं रहा था, इसको चोट मारी गई और ये तिरछा हो गया, ठीक, क्योंकि ये वहाँ टाइट रहा और ये तिरछा हो गया, ठीक, ये वाला सिरा। इसके वजह से मेरी दुकान पर वर्कर क्या हुआ, बच्चा जो काम करते हैं भाई मेरे, वो बहुत परेशान रहे, और इसके लिए क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा परेशान रहे कि इसका जो सेंटर था वो आउट हो जाता था। आउट इस प्रकार से होता था कि जैसे अभी हम लगाएंगे तो हमने सोचा कि आउट होने के लिए, तो जैसे हम इसका अभी सेंटर लगा रहे हैं तो सेंटर जा रहा, सही जा रहा, देखिए ये सही जा रहा, ठीक। पहले क्या होता था, ये सेंटर ऐसे को रहा, ये राड यानी ऐसे को था, क्योंकि ये जब जब इसको निकाला जा रहा था तो इधर चोट मारा गया, जब चोट मारा गया तो ये जो इसका ये था बैंड हो गया, जब बैंड हो गया तो इसका फिर सेंटर नहीं आउट, सेंटर आउट हो गया। फिर उसके बाद बहुत देर बाद हमको समझ में आया, हमने जब वो बच्चा परेशान रहा नहीं कर पाया तो भैया कहा भैया आप इसको देख लीजिए, हमने फिर एक एक करके इसको चेक किया, इधर वाला सही सेंटर आ रहा, इधर वाला गलत आ रहा था, तो हमने फिर इसको जब गौर से देखा तो ये राड टेढ़ी हो गई। तो कभी आपको यानी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, ये टेढ़ी हो जाए, तो आपको क्या करना है मेरे मित्र, देखिए हमने इसको पहले सोचा कि हो सकता सीधा ना हो, क्योंकि ये हार्ड हो सकता है, लेकिन हार्ड नहीं था, मुलायम लोहे का है। इस तरीके से हमने फिर क्या किया, इस पेचकस को लिया, पेचकस से इसको यानी हमने ऐसे किया, टेढ़ा किया, और फिर सेंटर इसका बिल्कुल सही आ गया, ठीक। अब जब सेंटर सही आ गया, देखे मेरे मित्र, जब इसका सेंटर सही आ गया तो हमने ऐसे लगा दिया, ठीक, लगा करके और हम इसको चलाने लगे, देखिए कैसे, देखिए इसका यही काम होता है, बस गियर पे चलना। अब ये फंसे ना, बस समझो सही है, अगर फंस रहा तब समझते कि यानी गड़बड़ है, लेकिन फंस नहीं रहा तो समझो सही है। तो इस तरीके से इसका वर्क था, ठीक। अब आप समझिए, कभी भी आपको ऐसा हो जाए तो आप इसको क्या करना है कि यानी इसी प्रकार से मुलायम है, ये हार्ड लोहा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, क्योंकि हल्के से चोट मार रहे थे बच्चे, यानी मारा गया इसमें और ये टेढ़ा हो गया, तो ये बिल्कुल मुलायम रहा और इसको हमने सीधा कर दिया, हो भी गया, वैसे कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं रही, ठीक। अब इसको हम फिटिंग बताते हैं, कैसे इसको गियर की फिटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको भी इसका काम नहीं आता मेरे पास, बजाज का बहुत सारी गाड़ी आती है, और ये क्या होता है कि हीरो की और हांडा की यानी ये अगर वो 10% आती है तो ये 2% 3% आती है, इस तरीके से आती हैं, तो ये समझिए। तो इसकी हम गियर फिटिंग की जानकारी देंगे आपको। एक वाशर तो मेरे दोस्त ये कि यहाँ पर लगता है और एक वाशर यहाँ पर लगता है, अब हम थोड़ा सा एक एक वाशर दिखा देते हैं मेरे मित्र। देखिए ये एक शाफ्ट है, ठीक। अब मेरे मित्र देखिए, यहाँ पर एक लॉक लगा है, ठीक, यहाँ पर कोई वाशर नहीं, इधर कोई वाशर नहीं, ठीक, एक वाशर यहाँ पर लगी है, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये एक वाशर यहाँ पर है, ठीक है मेरे मित्र, ये एक वाशर है यहाँ पर, और उसके साथ साथ मेरे मित्र देखिए, ये एक वाशर यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग की रहेगी, ठीक, इसी फिटिंग की रहेगी, ठीक। और यहाँ पर क्या होता, थोड़ा लॉक होता है, इसलिए इसको ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाशर में लॉक होता है, इस साइड और उस साइड लॉक होता है, ठीक है, दूसरी वाली ये वाली जो शाफ्ट होती है इसमें भी लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे आप समझिए ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर में ये सिस्टम होता है लॉक वाला, वैसे सिस्टम है। और गियर का भी लगभग उसी प्रकार से, जैसे पल्सर या डिस्कवर उन सब बाइक है, उसी प्रकार से गियर का फिर सिस्टम भी है। तो एक एक वाशर मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर एक लॉक लगा है, फिर यहाँ कोई वाशर नहीं, एक वाशर यहाँ, एक वाशर यहाँ, ठीक। और ये फिटिंग देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक वाशर सिर्फ यहाँ पर ऐसे लगाना है, ठीक, ये ठीक है। और एक वाशर के साथ साथ फिर ये वाला सिस्टम मित्र देखिए, इस प्रकार से यानी ये इस प्रकार से लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ पर एक बुश, ये बुश, ठीक, फिर एक ये उल्टा हो, ऐसे चाहे ऐसे किसी भी प्रकार से कहीं से भी लगा दीजिए, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। देखिए ये फिटिंग हो गया, ठीक है।
आप समझिए इस तरीके से। अब मेरे मित्र देखिए, ये लगभग जैसे हीरो का होता उस तरीके से, और दिखाइए, देखिए मेरे मित्र ये वाशर है, ये वाली ठीक, वो भी ग्रुप के अनुसार कटी होती है, जैसे ग्रुप बने हैं वैसी वाशर होती है ठीक। ये एक वाशर यहाँ एक लाल ठीक, यानी ये एक गियर, फिर एक गियर यहाँ पर कोई वाशर नहीं, यहाँ पर एक वाशर एक लाख ठीक है, फिर यहाँ पर कोई वाशर नहीं ठीक है मेरे मित्र, और यहाँ पर भी कोई वाशर, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी कोई वाशर हो, यहाँ पर कोई वाशर नहीं ठीक। फिर यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर, यहाँ आपको हम दिखा दें, यहाँ पर एक वाशर है, एक लाख है, एक वाशर यहाँ पर, एक लाख लगा दिया गया, एक वाशर लगा दिया गया यहाँ पर ठीक, एक वाशर यहाँ पर, समझे मेरे मित्र। थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम पूरा खोल करके वो दिखाएं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने नहीं चाहा कि हम पूरा खोलें, और समस्या हमको सिर्फ यहाँ पर गियर में थी, तभी हमने वीडियो बनाना चाहा सिर्फ वो गियर सिलेक्टर के कारण, जो गियर फार्क था उसके कारण ठीक है। तो ये इसके वजह से हमने ये वीडियो बनाना चाहा ठीक है। अब हम इसको फिटिंग करके तब दिखा, मेरे मित्र देखिए फिटिंग के लिए ऐसे ठीक, ऐसे लगा दिया जैसे सभी बाइक में लगाया जाता है, और क्या होता है कुछ लोग उस पल्ले में फिट करते हैं, कुछ लोग इस पल्ले में ठीक। और ये इसमें देखिए लेफ्ट और राइट ठीक, इसमें भी लिखा है लेफ्ट और राइट ठीक, लेफ्ट राइट जैसे इधर इधर, लेफ्ट इधर राइट ठीक, इधर भी हम दिखा दें आपको, तो इधर एक इधर, एक इधर एक उधर। मेरे मित्र देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है ठीक, ऐसे क्या किया बस ये इसका हमने जो गियर का बेस था, गुल्ला था, उसको उधर कर दिया ठीक। अब हम इसको यहाँ पर फिटिंग होती है, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके तब देखिए मेरे मित्र, एक ये यहाँ पर आ गया और एक यहाँ ऐसे ठीक। अब देखिए मेरे मित्र आराम से, ये आराम से फिट हो गया ठीक है, देखिए मेरे मित्र देखिए ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में ये शाफ्ट नहीं चलता है, यानी ये गियर चलेगा, न्यूट्रल में नहीं चलेगा ठीक। और जब हम इसको गियर लगाएंगे तो यानी ये फिर चलते हैं ठीक, जैसे ये चल रहे हैं इस तरीके से, गियर लगेंगे चलेंगे ठीक, ये तीसरा और ये चौथा ठीक, ये यहाँ पर न्यूट्रल, यानी यहाँ पर अभी गियर नहीं लगा है